हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर, नंदा ब्यूटी सलोन। चलिए आज हम करते हैं, किस टॉपिक पे बात करेंगे आज सोचिए। चलिए आज हम क्लीनअप की बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने किया था ब्लीच, तो ब्लीच की बात करते हैं क्लीनअप। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है क्लीनअप और फेशियल में क्या फ़र्क है, तो आज हम वो जानेंगे कि क्लीनअप क्या है और फेशियल क्या है। क्लीनअप वो प्रोसीजर है जो फेस को क्लीन करता है, जिसमें मसाज नहीं होती है, जिसमें सिर्फ फेस को क्लीन किया जाता है। ब्लैकहेड्स रिमूव किया जाता है, व्हाइटहेड्स रिमूव किया जाता है, वो होता है क्लीनअप। मतलब क्लीन करने का प्रोसीजर होता है क्लीनअप। और फेशियल में बाकायदा मसाज होती है, 30-35 मिनट, उसमें फेशियल में पूरा 30-35 मिनट लगता है और उसमें मसाज होती है। क्लीनअप में ओनली क्लीन होता है फेस, उसमें मसाज नहीं होती है। फेशियल में पहले क्लीनअप का प्रोसीजर होता है, फेस क्लीन होता है, फिर उसके बाद मसाज मिलती है, वो होता है फेशियल, और ये होता है क्लीनअप। क्लीनअप 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसे कहते हैं क्लीनअप। तो आज हम करेंगे क्लीनअप, तो मैं बताऊँगी आज को आपको क्लीनअप कैसे करती हैं और ब्लीच के बाद ही क्लीनअप होता है। चलिए आइए मेरे साथ। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीनअप। तो पहले मैं बता दूं क्लीनअप में लगने वाले प्रोडक्ट, तो उसमें लगता है क्लींजिंग स्क्रब पैक, और ये है ब्लैकहेड्स रिमूवर, ये है ब्रश जो पैक लगाने के काम आता है, और ये है बेल्ट जो फोरहेड के हेयर को पीछे करेगा, जिससे हेयर डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लीनअप करने में। यह हमने लगा लिया बेल्ट, और ये बता दूं मैंने लिया है ये क्लींजिंग ब्यूटी कंपनी का लिया हुआ है, ये लिया है स्क्रब, ये लिया है हर्बल पैक। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। अब स्टार्ट करेंगे हम क्लीनअप। पहले मैंने लिया है क्लींजिंग, क्लींजिंग से मसाज करेंगे। ओनली 5 मिनट मसाज करेंगे क्लींजिंग से। ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। जहाँ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज्यादा होता है, वहां थोड़ी मसाज उंगलियों को प्रेस करके करनी चाहिए। क्लीनअप 3 एज वालों को किया जाता है, क्योंकि उनके फेस पे ज्यादा टैन, ब्लैक हेड्स, रिमूवर, 17-18 साल, 16 साल, 15 साल में ये सब ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्किन में। एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ब्लैकहेड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस एज में, तो इस एज वालों को क्लीनअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस एज में ही क्लीनअप करना चाहिए। एक्चुअली फेशियल तो 35 के बाद कर सकते हैं, और क्लीनअप 15 डेज में कर सकते हो आराम से। आप घर पे भी कर सकते हो, सेल्फ क्लीनअप भी कर सकते हो आप खुद का। एक दिन मैं खुद का करते हुए भी वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी खुद का कैसे करते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से, क्लींजिंग से मसाज करें। फाइव मिनट मसाज करने के बाद अब मैंने स्क्रब लिया, अब स्क्रब से मसाज किया। स्क्रब से हार्ड मसाज ना करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। तो स्क्रब से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मसाज करें।
और आईज पे मसाज बिल्कुल ना दे, अगर स्क्रब से मसाज कर रहे हैं तो आईज पे मसाज बिल्कुल ना दे, ये बातें ध्यान रखने वाली होती है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करें स्क्रब से, ओनली 3 मिनट। स्क्रब से ज्यादा देर मसाज करनी भी नहीं चाहिए और हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। नोज पे ही ज्यादा मसाज करनी चाहिए क्योंकि नोज पे ज्यादा ब्लैकेट्स होते हैं, चिन पे भी ज्यादा होता है तो चिन पे करें थोड़ा सा हार्ड हाथों से, सिर्फ जहाँ ब्लैकेट्स हैं वहाँ हम हार्ड हाथों से कर सकते हैं, वो भी 3 मिनट से ज्यादा ना करें। अब मैं लूंगी ब्लैकेट्स रिमूवर, साथ में लूंगी कॉटन। अब मैं निकालूंगी इनके ब्लैकेट्स, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पिन को चलाना है। देखिए कैसे ब्लैकेट्स रिमूव होता है, ये बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करें। ये भी एक मसाज का ही प्रोसीजर है क्योंकि इसको इस तरह किया जाता है, तो इसको भी हम मसाज ही बोलेंगे क्योंकि ब्लैकेट्स निकाल रहे तो हम ऐसे दबा के नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर पिंपल्स है तो पिंपल्स को पिंपल्स की जगह पे हमने दबाया और निकाल लिया, लेकिन ये है ब्लैकेट्स तो इसको हम ऐसे नोज पे दबा कर नहीं निकालेंगे। इनको हल्के हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करो, जैसे मसाज करते हैं वैसे पैर प्रेस करो। देखो हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल आराम से निकलता है। और ध्यान रहे कि क्लाइंट को ब्लड ना आए कभी भी, ये पिन चलाते हुए कभी भी क्लाइंट को ब्लड नहीं आना चाहिए, वरना अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए ये पिन चलाते हुए बहुत ध्यान से पिन चलानी है। ये हल्के हल्के हाथों से रिमूव करना है व्हाइटेस्ट ब्लैकेट्स, यहाँ पे ज्यादा होता है चिन पे और नोज पे ही ज्यादा होता है। अब हम फेस को वाइप करेंगे हल्के हाथों से, गीले स्पंज से, टिश्यू पेपर से या नैपकिन से, सॉफ्ट होना चाहिए। अब वाइप करने के बाद मैं पैक लगाऊंगी, जो मैंने पैक लिया है वो हर्बल पैक है। पैक लग गया है, अब जैसे ही पैक आधा गीला और आधा सूखा हो जाएगा हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब पैक देखिए आधा सूखा है आधा गीला है, अब मैं फिर इसको क्लीन कर लूंगी। ये हो गया है हमारा क्लीनअप, देखिए सारे व्हाइटेस ब्लैकेट्स सारा सब अच्छे से निकल गया है, फेस क्लीन हो गया है। क्लीनअप से ग्लो नहीं आता है लेकिन फेस क्लीन हो जाता है, डस्ट वगैरह जितना भी होता है पोर्स के अंदर वो सारा निकल जाता है। देखिए क्लीनअप डन हो गया है, कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर बताइएगा। तो चलते हैं बाय, नेक्स्ट वीडियो में फेशियल के स्टेप बताऊंगी मैं आपको। बाय।